गुड मॉर्निंग भाइयों, वी आर रेडी विद अनदर मॉर्निंग, अनदर सुबह ऋषिकेश में। तो भाइयों, अभी जब सो के उठे हैं बिल्कुल, अभी भी आलस आ रहा फुल तकड़ा वाला। बट एक प्रॉब्लम हो गई हम दोनों के साथ। हम दोनों के ना वो गले में हल्का हल्का दर्द होने लगता है ना, सर्दी वाला वो हो जाता है। इतनी सर्दी मुझे मतलब बाहर ऐसी लगी, ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा सर्दी। बट ये है कि 2-3 दिन से हम घूम रहे ठंडे वाले इलाके, शायद बाहर का खा रहे हैं इसलिए कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा। बट थोड़ा सा रात को मौसम एकदम से बढ़ गया था, जब पता है हम वहाँ बैठे थे कैफे में, तो वहाँ पे एकदम से पानी आने लगा था। मतलब पानी मतलब सॉरी, वहाँ पे बराबर गंगा जी थी ना, तो वैसे तो पानी उसमें आ रहा था, बहुत कम पानी था, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बट फिर रात को ना हमें ऐसा लगा एकदम से कि बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी पानी की, और उस पानी के साथ एकदम ठंडा ठंडा होने लगा मौसम, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी ठंडी ठंडी। फिर उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि भाई पानी छोड़ा जा रहा है, वहाँ से दूर हट जाओ, जो लोग वहाँ पे होंगे उनके लिए एक अनाउंस कर दिया। तो यही था कि मुझे लग रहा है उससे एकदम से ठंड बढ़ी है यहाँ पे, कोहरा भी हो गया था फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ना पानी बढ़ने की वजह। तो वही है बस, अब रेडी हो रहे हैं यार। मॉर्निंग हो चुकी है, जोनी भाई भी उठ चुके हैं, मैं भी हो चुका हूँ, अब जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी, टाइम कितना हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है अभी भाई, टाइम देख के बताना जल्दी। टाइम 11 बजने वाले होंगे, 11:16। उठ तो हम गए थे आज 9 बजे, पर हम बैठे थे आज आराम से, कुछ करना नहीं है अपने को, ज़्यादा विजिट नहीं करनी, जाना है हरिद्वार में, सिर्फ अपना नहाना है अपने को और सीधा घर जाना है। थोड़ा बहुत इसको यहाँ ऋषिकेश दिखा दूंगा, इन्हें देखा नहीं है, और फिर सीधा हरिद्वार, हरिद्वार में नहाना है और घर निकलना है, बस यही 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 प्लान है आज का। तो बस अब उठे हैं, रेडी हो रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। चाय वाय ऑर्डर करिए, तूने कॉफ़ी करी चाय, मेरी कॉफ़ी, हाँ मेरी कॉफ़ी एक चाय, उससे पी के फिर निकलते हैं। भाई अपन लोग पहुँच गए हैं शिवपुरी, भाई को पहली बार शिवपुरी लेके आए, पहली बार आया ना, फर्स्ट टाइम शिवपुरी आया। मैंने कहा दिखा देता हूँ उसको, वैसे इतना क्राउड नहीं है अभी, पर है क्राउड, फिर भी इतना नहीं है जितना होता है, और है क्राउड, आज ट्यूसडे है फिर भी है, दिखाता हूँ। ये देखो भाइयों, ये चल रहा है शिवपुरी, पूरा शिवपुरी में बैठे हैं अपन लोग, देख रहे हो ये नदी जा रही है अपनी गंगा जी। अब मैंने इसको बोला बंची जंपिंग करवाऊंगा मैं इसको, ये मना कर रहा हूँ, नहीं भैया बंची जंपिंग देखो ऐसे राफ्टिंग होती है, देखो जिसने नहीं करी उनके लिए, बस ऐसे ही घूमते रहो बीच में, रैपिड्स आ जाते हैं उनमें। जो यहाँ आए थे घूमने के लिए शिवपुरी में, ये देखो लोग आ रखे हैं राफ्टिंग करने के लिए, सब लोग आए हुए हैं, पूरा सही क्राउड है वैसे, मतलब इतना बहुत ज़्यादा रश नहीं है शिवपुरी में। कैंपिंग भी हो रखी थी और पीछे, जिसको कैंपिंग करनी हो यहाँ आ सकता है, बाकी लोगों को कैंपिंग नहीं करनी है तो सिर्फ अपना क्या बोलते हैं उसको राफ्टिंग करके जा सकते हैं। ये पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो मरीन ड्राइव से राफ्टिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ पे लोग उतर रहे हैं ये दैट इज़ कॉल्ड शिवपुरी राफ्टिंग, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, जो ये जो राफ्ट पड़ी हैं बहुत सारी। सही व्यू है, यहाँ तक आ सकते हो आप घूमने के लिए, 2-3 घंटे बिता के। अब हम जा रहे हैं, जोनी भाई भी बेचारे मेरे ख्याल से सो के दिखे तो सो गए गए, और जोनी भाई भी ढीले ही हैं, लेजी हो रहे हैं, फुल सो गए बैठे बैठे। अभी अभी घूम के गया है अंदर से बाहर। क्या रहा भैया, सही जगह लिया है आप तो, बढ़िया है। तो ना बताओ, उनको बताता हूँ, शिवपुरी में बंजी जंपिंग यहाँ पे होती है, इस जगह देखो दिख रहा है बड़े बड़े टावर से तुमको, दैट इज़ फॉर बंजी जंपिंग। इन पे ऊपर लोग चढ़ते हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो ना तो लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं इसमें, जो ऑलरेडी अभी है अवेलेबल वहाँ पे। यह है बंजी जंपिंग, एशिया की है, पता नहीं वर्ल्ड की सबसे ऊंची, वर्ल्ड जंप एशिया की है शायद, सबसे ऊंची बंजी जंपिंग है यहाँ पे। ठीक है चले, बन रही है, बन रही है ऐसे, अभी बनते रहिएगा, जो मैं बोलूँगा तो बताइए, कटवट से आएंगे ना वो दिखाने। अब बता क्यों मारा तूने, अब बता ना क्यों मारा, देख रहे हो मतलब यहाँ जो है पहाड़ों में भाई, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या ड्रामा हो रखा है। एक तो ये वैन जो लोगों को चलानी नहीं आती, गाड़ी स्कूटी होगी बाइक होगी, बाइक
दिख रहा है नू कह रहा भाई नू का एकदम से, अबे एकदम से सबने ब्रेक मारे वहां से, 10 गाड़ी एकदम से रुकी है धड़ 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 धड़। तो मैंने भी तो रोकी, मैंने तो नहीं मारी दूसरे में टक्कर, और इसको बोल रहा हूँ तो कह रहा कि बाइक में लगी नहीं ब्रेक। अबे तो इतनी तेज चला क्यों रहा है कि ब्रेक नहीं लगी तेरे? अरे भाई तेज नहीं था भाई, इतनी स्पीड में एक बार तू ये भी कह रहा है तेज नहीं थी तो ब्रेक क्यों नहीं लगे? अरे भाई बाइक का ब्रेक अचानक लगाऊंगा तो गिर जाती यार इधर गाड़ी, तो अचानक लगा तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैंने भी तो ब्रेक मारे, मेरी तो गाड़ी ने चूं भी नहीं करा, इतनी स्पीड से चला रहा था मैं कि मेरी भी गाड़ी में ब्रेक लग जाए। तू इतनी तेज चलाई क्यों रहा था कि मेरी गाड़ी में ब्रेक ना लगे? चार टायर वाली गाड़ी है, ठीक है तुझे पता है ना चार टायर वाली आराम से रुक जाएगी, तो ये भी पता होगा दो वाली नहीं रुकेगी, तूने क्यों चलाई फिर तेज? तेज कहाँ चलाता भाई जी, तो लगी कैसे फिर गाड़ी? अरे भाई जी इतना ब्रेक एकदम थोड़ा जाम होती बाइक भाई कभी यार। तो यार तू पता तू नहीं समझ रहा मेरी बात, तू अपनी बात भी पता है, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये भी कह रहा है कि एकदम नहीं लगती, उसके बाद तू ये भी कह रहा है कि तेज नहीं चला रहा था, उतना तेज इतना बोल रहे हो तो फिर ब्रेक नहीं लगे ना भैया? तेज का चलान थोड़ी कट रहे हैं आपका भाई, पता है मुझे बता रहे हैं गलती मेरी है भाई, जो मैं से लगी गाड़ी तो गलती मेरी होगी, आप मान नहीं रहे जब हम कह रहे हैं आप थोड़ी तेज चल रहे थे, फिर आप एक बात था नहीं चल रहा था, सारी बात छोड़ दो, तो मुझे एक बात था यहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी, ये छोड़ के मेरी गाड़ी ने ब्रेक मारे तू रुक गया, वो नैरो कट था हल्का सा इधर को आ जाता तेरे से ब्रेक ही ना लगते, फिर तू उससे इतनी बात बोलने लायक होता, तू तो बेहोश रहा होता भाई जी मैंने मारे। अरे मैं अपनी गाड़ी की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ की छोड़ दू, तेरे तूने ब्रेक मारे पर लगे नहीं ना, तभी तो लगी गाड़ी हल्के से जो भी हुआ, अगर कोई गाड़ी जैसे सुन जैसे ट्रक आ रहा है मान ले कोई गाड़ी आ रही होती तेज किन्नी ने पी रखी होती चला रहा होता और वो हल्का सा वाइड करके लिया था और तेरे पे तो ब्रेक नहीं लगते क्या करता तू? नेगेटिव नहीं मैं तुझे सच बता रहा हूँ, बच गया तू, नेगेटिव मैं नहीं कर रहा, मेरी जगह कोई और होता सीधा घुसता अंदर, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ मेरी बात समझ, मेरी गाड़ी में तो लग गई है, पर मैं तुझसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सीन होता तू तो निकल लेता, ऐसे भाई को और गिरा था साथ में। अरे भाई भाई को भाई बात ये है भाई, कहाँ जा रहे हो कहाँ से आए हो तुम? 70 मीटर का डिस्टेंस बना के चलो कम से कम गाड़ियों के पीछे, चाबी दे दो मेरी, दे दूंगा, कहाँ से आयो कहाँ जा रहे हो बताओ? हम घर जा रहे हैं अपने। कहाँ से आयो? हम देहरादून से आए। देहरादून से आयो, यहाँ क्या करने आए थे? हम घूमने आए थे। ऐसे घूमोगे? घर जाना ना वापस, हम भी तो घूमने आए हैं भाई, आपको अगर तो चाबी देनी है तो दे दो, नहीं देनी है तो रहने दो, नहीं तो चाबी तो दे ही दूंगा, तो मुझे क्यों कह रहा नहीं देनी तो रहने दो, पर मैं बता रहा हूँ तुझे, आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आप ऐसे सीरियस हो गए भाई, नुकसान तो हो ही रखे हैं मैंने, ये क्या है चलेगी तो ये क्या है, मैं तो भैया गिरती भी है ठीक है, कोई जानबूझ के मैंने ठोके नहीं, अब आप भाई ये बात भी सही है, लोग बाइक पे चलते हैं तो लोग मरते भी, ऐसे बोल देगा कोई है भाई? बाइक तो नहीं, ये ऐसी बात होगी ठीक है, मेरी बात सुनिए, अगर कोई जानबूझ के ठोकी मैंने या जानबूझ के ठोकी है मैंने रोकने की कोशिश भाई, जानबूझ के ठोकी है, रुकते आपकी गाड़ी पे आ गई, नहीं जानबूझ की तो ठोकी है, अगर तुमसे गाड़ी रुक नहीं पाई तुमने जानबूझ के ठोकी है? नहीं जानबूझ के नहीं ठोकी यार, नहीं तो जानबूझ की तो हो गया ना, जब तू इतनी तेज चला रहा था ब्रेक ले, कोई किसी को मारते ही नहीं, टक्कर कभी जानबूझ के थोड़ी थे कि मैं जानबूझ के मारा, यार रुकते रुकते आपकी गाड़ी तक आ गई, गाड़ी टच हो गई तो ब्रेक कैसे लगे फिर ये बता, सारी बात छोड़, गाड़ी टच हो गई तो ब्रेक कैसे लगे फिर? तू जा, मैं तुझे ये सब बता रहा हूँ तेरे से कुछ इसलिए नहीं कि तेरा कंप्लेन करूँ या पैसे लूँ तेरे से, ठीक है मेरी तो चाबी भी ले जा रहा है, मेरी चाबी भी ले जाएगा तू, पर मैं तुझे बता रहा हूँ ये देख, ये यहाँ मारी तूने इस पे, ये आया तुम्हारा देहरादून है, तुम्हारा देहरादून किया वो, तुम्हारे देहरादून में एक लेडी ने मार दी भाई जी, लेडी ने लेडी का गुस्सा मेरे पे क्यों दिखा रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि पहाड़ों में पता नहीं समझ नहीं आ रहा लोग इतनी तेज क्यों चला रहे हो तुम। तो भाइयों वहाँ पे हो गया था पंगा तकड़ा, यार मैं अभी डाला था ब्लॉग है ना, वहाँ दिक्कत क्या हो गई थी यार, जैसे हमने ब्रेक मारे ना, एक्चुअली ब्रेक को क्या मारे पहाड़ों पे ना, ऐसा होता कहीं एकदम से किसी ने ब्रेक मारे तो लाइन से पीछे इतनी गाड़ी ठंडी ठंडा ब्रेक मारती चली जाती है, तो मैंने ये मारी भाई, वो आ रहा था पीछे से पता नहीं कौन, अगले ने सीधे ढम देने से मारी फिर से, वो तो बम्पर का जो बैक गार्ड होता है रियर गार्ड जो होता है उसमें लग गया, खैर उसमें कुछ हुआ नहीं, घट की आवाज़ है, पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि यार दुखी हो गया मैं 3 दिन से, पहाड़ों पर जिसे देखो घट जिसे देखो घट, स्कूटी और बाइक तो ऐसे चलाते हैं इन पर ब्रेक लगते नहीं, फिर कल ऐसी एक मोबाइल एक हाथ से मोबाइल एक हाथ से गाड़ी चला रहा हल्का सा बराबर से निकला खट करता हुआ, और मैंने इसकी समझ में खड़ी खड़ी गाड़ी में बिल्कुल, ऐसी परसों वो आंटी वाला देखा होगा तुमने, आंटी ने मार दी भाई, मैं तो दुखी हो गया यार, खैर छोड़ो वो सब, हम फिर आ गए हैं जैसे यहाँ पे कल आए थे, पर आज डोमिनोज खुला हुआ मिल गया हमें, लाइट भी जल रही है डोमिनोज की, देखो ओपन, तो अब हम खाएंगे डोमिनोज का पिज्ज़ा, तो भाई ये देखो हमारा आ गया पिज्ज़ा, हम खा रहे हैं पिज्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड, क्या कह रहे भाई क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बाद में बताऊंगा, बाद में बताएगा, कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा शाय है, थोड़ा सा बात ऐसी बोलो जो व्लॉग में डाल सके, हाँ तो ऐसी तो थी जो ब्लॉग में नहीं डाल सकते, हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ तभी तो,
कोई नहीं, चलो हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं, हम चलते हैं, बहुत लेट हो रहा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है सुबह से, मैंने कुछ नहीं खाया, इसने बहुत कुछ खा लिया, ठंड हो गया हमारे से, मैंने अभी सॉस उठा के ना ऐसे रखी, सॉरी की सारी सॉस गिर गई, बहुत अच्छा हुआ पिज्ज़ा ख़राब नहीं है, सारी की सारी सॉस डब्बे में आ गई भाई, ले जाओ डब्बा। चल क्या आ रहा है, पिज्ज़ा आ रहा है, पिज्ज़ा का इस खाना है किसी का, हाँ साफ हो गया। तो अभी आप लोगों को भाई ये बताना था कि अब हम जा रहे हैं हरिद्वार, नहाएंगे, धूप ख़त्म होने वाली है, जल्दी जल्दी भागेंगे यहाँ से, जल्दी जल्दी नहाएंगे, क्योंकि ये तो फिर नहा नहीं पाएगा ये, वैसे तो हमारा प्लान था नहाएगा, गारंटी नहाएगा, इसका प्लान था कि नहाएगा। मैं भैया मैं ऐसा थोड़ी हूँ, अगर आप नहाओगे तो आपको क्या लग रहा है मैं अकेला आपको नहाने दूंगा, मैं नहीं नहाऊंगा आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे इसने बोला था। तो अभी तो आगे जाने के बाद पता चलेगा, अभी इसके नखड़े थोड़े शुरू हो चुके हैं। पहुंच गए भाइयों, फाइनली अपन लोग पहुंच गए हरिद्वार, अब जा रहे हैं नहाने के लिए, धूप वूप सब खत्म हो चुका है, ठंड में नहाना पड़ेगा, बिल्कुल ही धूप नहीं आ रही, देखो पूरा मौसम शाम हो चुकी है, 5 बज गए, 5:05 नॉट 5:05, 5:05 हो रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, ये तो सही था, पतंग भी दिखा दियो मैं, पतंग ही ना दिख रही तुम्हारी तो, अबे दिखा दो इधर भाई, देखो तुम्हारा भाई उड़ा रहा है पतंग डायरेक्ट फ्रॉम द हर की पौड़ी, हरिद्वार वाले जो होता है ना हर की पौड़ी का पुल, वहां से दिखाओ भाई पतंग, दिखा दे मेरी, चलो कहाँ हो चुके आरती शुरू, और हम चुके मतलब आरती शुरू नहीं, वहां पे उन्होंने बंद कर दिया, मेरे बस ये है कि वो गेट ना बंद कर दे हर की पौड़ी में जाने के लिए ना, वहाँ पे एंट्रेंस बंद कर देते हैं जब आरती शुरू होने वाली होती है, और अभी बजे हैं 5, मेरे ख्याल से 6 बजे बंद कर दिया वो, क्योंकि 7 बजे आरती होती है, 6:30-7 बजे होती है, 5:30-6 बजे तक बंद कर दिया, तो हमें उससे पहले पहुँचना है वहाँ पे, ताकि हम नहा धो लें फिर आरती कर लें। भैया पहुँच गए फाइनली, एंट्रेंस बंद होने वाला है बस, क्योंकि फिर आरती शुरू हो जाएगी ना इसलिए, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी वैसे आज भीड़ कम ही है, कम लोग आ रखे हैं, अभी पता नहीं नहाने देंगे नहीं नहाने देंगे, मेरे को तो नहाना यार, आई डोंट थिंक सो, ये अभी नहाने दे रहे हैं, लेट्स सी। भाई जोनी भाई को दे रहे हैं गोली, तुम्हारा भाई अकेले नहाएगा, पूरा प्राइवेट प्राइवेट घाट हो रखा है, कोई नहीं नहा रहा, प्राइवेट घाट रखा कोई नहीं नहा रहा, ये देखो भाई प्राइवेट घाट है फुल, कोई नहीं नहा रहा कोई भी, और तुम्हारा भाई अकेले नहाएगा यहाँ पे, ये देखो आरती कितने शुरू होगी भाई, कोई नहीं नहा रहा, मुझे शर्म आ रही है नहाने में, अकेले में नहा लूँ ना नहा लूँ, पहले देखो सोच रहा हूँ मैं, भाई जोनी को ही भेज दिया ना, जो जैसे जोनी मना कर रहा था, तो भैया सर्दी हो रही है भेज दिया, मैं तो मारा है डुबकी तैयार भी होगा, मैंने गंगा आरती मैंने कहा उससे पहले नहा दो लो जितना नहाना है, आज सही से नहा पाया जैसे हम नहाते हैं, बस जल्दी जल्दी डुबकी मार के आ गया भाई, वाह लौंडे ने मार दी भाई, मार दी भाई, लड़का भी चीता है हमारा, ऐसा नहीं है हमारा भाई, ये तो चीता ही होगा, यूपी वाले हैं भाईचारा जिंदाबाद, ये बात ऐसी बनती है वीडियो, इसे भी वीडियो बनानी आती नहीं, इनने मेरी सारी वीडियो ख़राब करी थी, सॉरी। तो भाई हर की पौड़ी पे हम इस टाइम, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ये देखो ऐसे आरती चलाई जाती है, ओहो हो छोटी आरती होती है पहले, उसके बाद बड़ी आरती चलाई जाती है, ये देखो इस तरीके से होता है, तो भाइयों फाइनली हम अच्छे से नहा चुके हैं गंगा जी में भी, बहुत बढ़िया से हमारे सारे टूर हो गया ऑलमोस्ट, देहरादून मसूरी देन वी प्लान टू गो टू कानाताल एंड धनौल्टी ऑल्सो, बट धनौल्टी तो मैंने पहले देखा हुआ, और कानाताल जाने का प्लान इसलिए था बिकॉज वहाँ पे आइस वाइस थोड़ी स्नोफॉल जो हुआ होगा तो दिख जाएगा, बट स्नोफॉल कहीं भी नहीं हुआ भाई, यहाँ तो छोड़ो गुलमर्ग तक में नहीं हुआ है अभी तक, मतलब बीच में थोड़ा सा हुआ था दिसंबर के मिड में, और वो भी जो थोड़ा बहुत था वो भी हट गया, सारा खत्म हो गया, बिल्कुल गर्मी हो रखी है फिलहाल, अब एकदम से आएगा
थोड़े दिनों बाद। तो भाई बस फिर जाने का नेसरी यार बहुत ज़्यादा ड्राइव हो जाती है, फालतू में थक जाते और मतलब अभी कुछ मिलता नहीं जिसके लिए हम जाते, तो हम इसलिए गए नहीं। फिर तो हमने प्लान किया फिर हम इधर ऋषिकेश शिफ्ट होकर, ऋषिकेश आने के बाद कल ऋषिकेश में रुके, पूरा घूमे, शाम को वहीं पे अपना बीटल कैफ़े वगैरह वहाँ पे गए। बीटल तो बंद था, उसके बराबर में एक और कैफ़े वो भी अच्छा था, ठीक था, मतलब मेरे को वैसे वाइब तो ठीक थे, बट खाना वाना अच्छा ही लगा। तेरे को कैसा लगा भाई? भैया ठीक नहीं था। थोड़ा जोर से बोलो। भैया ठीक नहीं था खाना। ठीक नहीं था खाना? हाँ। भाई मुझे भी अच्छा लगा, मतलब हम दोनों को ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए तो भाई इसे एक चीज बताइयो, जब खाना आया था तो मैंने खाने से पहले यार मैंने खाने से पहले नहीं बता देता, मैंने खाने की शक्ल देख के बता देता था, उतना गंदा लग रहा था वो, और उसकी महक सुन के तो मगर मतलब कुछ कुछ होता ना एक अजीब सा देख के बताए तो आप, इतना घटिया खाना, इतना महंगा भाई, बहुत ही घटिया खाना था उसका। हो सकता था तुम ना वो सब मत करना, अपना सैंडविच वैंडविच कुछ खा लेना, इंडियन मेन कोर्स तो बिल्कुल ही मत लेना उसके। हाँ जूस सही है, जूस, हाँ, जूस ही ले लो, अपना पैक्ड ड्रिंक्स ले लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आती है, कैन वैन जो आती हैं वो सब ले लो, पर ये खाना मत बनवाना भाई, बच्चे बच्चे से रख रखे उन्होंने बिल्कुल बकवास खाना बनाया था, उसको बोल रहे हैं तो उसको बात कहता है, हमारे यहाँ तो इतने फॉरनर्स आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, इसराइलीज आते हैं, वो तो उन्होंने तो किसी ने शिकायत नहीं करा, भाई उनको घंटा नहीं पता क्या है उनको इंडियन, अब हमें को उनका खाना खिला दे तो हमें बुरा लगे तो हम तो यही कहेंगे ना, अरे क्या बकवास खाना है इसराइली, इससे अच्छा तो हमारा है। अब उनको हमें यही नहीं पता कि इसराइली ही है वो या क्वालिटी वाला फूड है या नहीं है, तो वो कैसे बता देंगे? ठीक है उनको अच्छा लगे, उनका टेस्ट लगे, हमें हमारा टेस्ट लगे, तो नहीं आया पसंद भाई हमें तो, बेकार था। तो वहाँ पे वो मस्ती करी, फिर उसके बाद भाई को शिवपुरी लेकर घुमाने, वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती करी, आप लोगों ने देख ली होगी। अब जा रहे हम सीधे घर, नहीं फिर वहाँ से आए गंगा जी हरिद्वार, हर की पौड़ी, 5 बजे आ गए थे, फिर उसके बाद ठीक 5 बजे आ गए थे, फिर उसके बाद हम स्नान वगैरह करके आरती भी देखी, वहाँ पे आरती हो रही थी, आरती भी देखी, स्नान कर लिया तुरंत आज, बहुत जल्दी जल्दी स्नान किया क्योंकि वहाँ पे आरती होने वाली थी, और इतना अजीब लग रहा था पूरे उसमें अकेले ही कर रहा था मैं, जब ये गया तब तो एक दो लोग और भी खड़े थे, अंकल अंकल वहाँ भीड़ थी, तो और भी मतलब जब मैं गया था ना बिल्कुल खाली सुनसान सा था, सब सीढ़ियों बैठे तो इधर से उधर तक कोई नहीं था, और मैं बैठ गया अंदर, मुझे खुद को शायनेस आ रही थी, बट मैंने कहा नहीं भाई करना है तो करना है। हम आ गए नमस्ते द्वार में, वापस में भी रिटर्न में भी आ गए नमस्ते द्वार में, और ये रहा देखो अपना नमस्ते द्वार, अच्छा लग रहा ना यहाँ पे, हम भूख लग रही है सुबह से। भाई जोनी भाई एक बात तो, तुम भी आकाश ही रह गए भाई, क्या है तुमने भाई पानी पिया बताना, सुबह से कितना पानी पिया हमने बताओ तो सही, बार जा कर रहे हो, तुम्हें याद भी पानी कब पिया था हमने, याद दिलाओ कब पिया था हमने, आप भी तो साथ में ही हो भाई, जब हम होटल से निकले तब पानी पिया है हमने, होटल से निकले हम, होटल से निकले हम 12:30 बजे तब से पानी नहीं पिया भाई, एक घूट पानी नहीं पिया जब से। ऐसी है मैंने भैया को कहा था क्या कि पानी लेते हैं, भैया ने कहा था भैया जल्दी चलना है फॉग आने वाला है रोड पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी था बोतल में खाना खाने तो भैया लेते हैं, आपने गाड़ी रोकी और भाई मुझे याद नहीं लगी मैंने पानी पिया, गाड़ी भगा रखी है भाई, सुबह से पानी पिया हमने सिर्फ होटल में पिया था, चलो अब चाय भी पीते हैं पानी पीते हैं, कर दिया भाई आ जाओ हाथ सेक लो, नमस्ते द्वार में हाथ सेक रहे भाई साहब, बेहतरीन जगह है ये देखो, चाय का कप है यहाँ पे, अरे भाई चाय शाय दिखा दे, चाय शाय देखो भाई, चाय का कप है नमस्ते द्वार में, चाय पीना चाय यहाँ पी लो, और यहाँ हाथ सेक लो, सर्दियों में पूरा बढ़िया है, बेहतरीन दुकान वहाँ रखा है। ये भाई चाय का नुक्कड़ और ये है हमारी चाय एंड दिस इज पापे, भाई ये देख लो मेरा सपना है, देख लो समझ तो गए होगे या नाम बताऊं स्पेशलिस्ट का, सब समझ गए। तुमको अगर गांव की पूरी वाइब लेनी हो ना, मतलब मोस्टली पूरी वाइब लेनी हो तो आप ना जब भी हरिद्वार जा रहे हो तो ना तो बीच में नमस्ते द्वार रुक जाया करो, ये मुझे फोन करके जस्ट पहले पड़ जाता है, दिखाता हूँ क्यों, वो तो मैंने तुम्हें दिखाया था जो चाय का नुक्कड़ वहाँ पूरा, मतलब उन्होंने जुगाड़ बैठा रखा चाय की तरह बैठना कुर्सी, वो देखो आग भी जल रखी जो उन्होंने दिखाई है ना, यहीं पे बैठे थे अपना आराम से, वो लेडीजें बैठी हैं फुल गांव की तरह, और ये देखो यहाँ पे पूरी वाइब आ रही है गाँव की, वो देखो कोल्लू लगा हुआ है, कोल्लू ऐसे होता है उसमें पानी निकलता रहता है और वो ऐसे कुएं से पानी निकालता रहता है, ऐसे करके पानी बहता रहता है पूरा प्रॉपर गाँव में, आजकल गाँव में ये होता भी नहीं कोल्लू, ये पहले कुएं से पानी निकाला करता था इसी तरीके से, उसमें पानी रहता था ये घूमता रहेगा उठा उठा के डालता रहेगा, और जितना पानी चाहिए उतना आता रहेगा उसमें, ये होता था ऐसे, इन्होंने देखो उसमें पानी डाल रखा पूरा अंदर जाता, आधा अंदर जा रहा आधा, वो आधा पानी भर के लाता है और उसमें डाल देता है, बड़े लग रहा है। और तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बना रखा है पधारो सा, राजस्थान की वाइब दे रखी है यहाँ पे थोड़ी सी, ये उसका है टेक अवे का,
ये राजस्थान के बाकी रखे, पूरा राजस्थान की तरह मतलब झोपड़ी से बना रखी है वहाँ पे, सारे राजस्थान के हुए हैं कुशंग वगैरह। आपको यहाँ शॉपिंग कर सकते हो आप लोग, आई एम जस्ट टेलिंग जिसको नहीं पता उनके लिए कितना बढ़िया बना रखा है। नमस्ते इंडिया। अपने क्षेत्र मेरठ में अब भर रहा है पेट्रोल, टंकी फुल करवाने की आदत, टंकी 125 किलोमीटर बचा था, टंकी फुल करा के 750 किलोमीटर आता है उसमें, और 125 किलोमीटर बचा है, यानी कि कितनी चल गई हमारी 575 किलोमीटर के करीब आज चल चुकी गाड़ी, नहीं 575 भी कहाँ, 625 चल गई है। तो अभी फुल होगी टंकी पूरी, नॉट टू नॉट।